तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुयांग कैट प्रिंस को वहां पर मार देता है और अब वह सभी लोगों के साथ उसके सी डीमन सेक्ट के ट्रेजर हाउस में ट्रेजर्स को कलेक्ट करने के लिए आया हुआ होता है। और अब सभी लोग देखते हैं कि उस जगह पर काफी ज्यादा मात्रा में ट्रेजर्स मौजूद होते हैं, जो देखकर क्विंसु बोलने लगती है उसके पास ज्यादा स्पेस रिंग मौजूद नहीं है, तो आखिर वह इतने सारे ट्रेजर्स को अपने साथ कैसे लेकर जाएगी। और अब वह वहां से कुछ कीमती ट्रेजर्स को इकट्ठा करने लगती है। वहीं पर घूमता हुआ सुयांग बोल रहा होता है, पिछले 10,000 सालों में कैट प्रिंस ने यहाँ पर कई सारे कीमती ट्रेजर्स को कलेक्ट किया है। तभी सुयांग की नजर वहां पर बने हुए एक फॉर्मेशन पर जाती है। अब सुयांग उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है तो उस फॉर्मेशन के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक निकलकर बाहर आती है। और इस टेक्निक का यूज करके कोई भी पर्सन अपने अपोनेंट की स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपने चोटों को ठीक कर सकता है। और अब यह देखकर हैंगटियान बोलने लगता है, आखिर इस कैट प्रिंस के पास इतनी खतरनाक टेक्निक कहाँ से आई। सुयांग बोलता है, यह टेक्निक हमारे कॉन्टिनेंट की नहीं है, तो शायद से यह टेक्निक अंडरवर्ल्ड से यहाँ पर आई है और जिन लोगों को लिंसू ने आज से 10,000 साल पहले मार दिया था, शायद से उन्हीं के पास यह टेक्निक मौजूद होगी जो उनके मरने के बाद कैट प्रिंस ने चुरा ली होगी। तभी क्विंसु भागते हुए सुयांग के पास आती है और उससे बोलती है कि मास्टर, उस जगह पर काफी पावरफुल एलिक्सर है, साथ ही साथ कई सारे पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट भी। यह सुनते ही हैंगटियान के मुंह में पानी आने लगता है और अब वह भागते हुए उस ओर जाने लगता है। अब दिखाया जाता है कि सभी लोग एक जगह पर बैठे हुए होते हैं, वहीं पर सुयांग उन सभी स्पिरिचुअल बीस्ट को मारकर उनके मीट को पका रहा होता है, जिसे हैंगटियान वहां पर खाए चले जा रहा होता है। अब सुयांग जाओपिंग से बोलता है, तो ब्रदर्स जाओ मुझे बताओ आखिर यहाँ पर तुम्हारी वाइफ को क्या बीमारी है। यह सुनते ही जाओपिंग बोलता है, मेरी वाइफ की फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है पर उसकी स्पिरिचुअल बॉडी अभी भी जिंदा है और मैंने उसकी सोल को एक जगह पर प्रोटेक्ट करके रख रखा है और मैं पिछले कई दिनों से अपनी वाइफ को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर एक दिन मुझे पता चला कि अगर मुझे डीप सी ब्लू हार्ट मिल जाए तो उसके इस्तेमाल से मैं अपनी वाइफ की फिजिकल बॉडी को दोबारा से बना सकता हूँ, इसीलिए मैं डीप सी ब्लू हार्ट को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया। पर अब यहाँ पर मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है क्योंकि अगले 15 दिनों के अंदर मेरी वाइफ की स्पिरिचुअल बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो मुझे जल्द ही यहाँ पर कुछ करना होगा। यह सुनकर सुयांग सोचने लगता है, तो उसकी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है पर अभी भी उसकी स्पिरिचुअल बॉडी जिंदा है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और अब यह सोचते हुए वह बोलता है, तो फिर ठीक है मुझे तुम उसके पास ले चलो। तभी हैंगटियान बोलता है, ब्रदर आप कहाँ जा रहे हो। सुयांग बोलता है, मुझे लग रहा है कि मैं इस बीमारी का इलाज कर सकता हूँ। और अब सुयांग हैंगटियान और जाओपिंग को अपने फ्लाइंग शिप पर लेकर जाओपिंग के किंगडम की ओर जाने लगता है। तभी हैंगटियान उसके पास आते हुए बोलता है, ब्रदर सुयांग आपने वहां पर क्विंसु को अकेले छोड़ दिया, तो क्या यह उसके लिए सेफ होगा। तभी सुयांग बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्विंसु मेरी डिसाइपल है तो वह उस जगह पर बिल्कुल सेफ रहेगी। तभी जाओपिंग आगे आते हुए बोलता है, ब्रदर सुयांग मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप सच में मेरी वाइफ को ठीक कर सकते हो। तभी हैंगटियान बोलता है, बेवकूफ आखिर तुम यह कैसी बातें कर रहे हो, ब्रदर सुयांग ने यहाँ पर कहा है कि वह तुम्हारी वाइफ को ठीक करेंगे, तो वह तुम्हारी वाइफ को जरूर ठीक करेंगे, तो अब तुम्हें यहाँ पर खुश होना चाहिए। अब थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद जाओपिंग सभी लोगों को लेकर अपने किंगडम में पहुंचता है, जिसके बाद सभी लोग शिप से नीचे उतरते हैं। तभी सुयांग वहां पर एक काफी ईवल एनर्जी को सेंस करता है। अब जाओपिंग उन दोनों को लेकर किंगडम के अंदर आता है पर तभी वह देखता है कि उसके किंगडम में एक भी लोग मौजूद नहीं है और जो मार्केट हमेशा लोगों से भरा रहे करता था वहां पर आज एक भी इंसान मौजूद नहीं है, जो देखकर वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलने लगता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है और यहाँ के सभी लोग आखिर गए कहाँ। और अब वह उस ओर भागता है जहाँ पर उसकी वाइफ मौजूद थी। अब यह देखकर हैंगटियान बोलता है, ब्रदर सुयांग यह ईस्ट माउंटेन सिटी है और यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में लोग रहते हैं,
पर आज इस जगह पर कोई भी मौजूद नहीं है। तो मेरे ख्याल से कुछ लुटेरे कल्टीवेटर्स ने इस सिटी पर अटैक किया है और इस सिटी को लूट लिया है, जिस वजह से यहाँ के सभी लोग बुरी तरीके से डर गए हैं। तभी सुयांग बोलता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, यह काम किन्हीं मामूली लुटेरों का नहीं है। और अब वह दोनों ज़ाओपिंग का पीछा करते हुए एक घर में आते हैं, जहां पर ज़ाओपिंग काफी परेशान बैठा हुआ होता है और बोल रहा होता है कि आखिर यह सब कैसे हो सकता है, यहाँ पर एक भी आदमी मौजूद नहीं है, और तो और मेरे वाइफ की सोल भी यहाँ से गायब है। तभी सुयांग को छत पर से कुछ आवाज सुनाई देती है, जहां पर कुछ लोग खड़े होते हैं, और अब यह देखते ही सुयांग उन पर काफी तेजी से अटैक करता है, जिस अटैक से वहां पर तीन में से दो लोग तो मर जाते हैं, पर एक पर्सन डरकर वहां से भागने लगता है, जो देखकर सुयांग बोलता है यह काम इन्हीं लोगों का है। यह सुनते ही हैंगटियान और ज़ाओपिंग उस पर्सन का पीछा करने लगते हैं, और अब हैंगटियान काफी तेजी से उस पर्सन पर अटैक करते हुए उसे नीचे गिरा देता है। तभी ज़ाओपिंग गुस्से में उस पर्सन पर पीछे से अटैक करता है, पर वह पर्सन ज़ाओपिंग के अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। तभी ज़ाओपिंग गुस्से में बोलता है, तो क्या इस सिटी के सभी लोगों को तुमने गायब किया है? वहीं पर खड़ा वह पर्सन सोच रहा होता है, यह दोनों कल्टीवेटर्स बहुत ही ज्यादा कमजोर है, पर अभी यहाँ पर जो अटैक हुआ था वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक था, तो आखिर वह अटैक किसने किया था? तभी वहां पर ज़ाओपिंग गुस्से में उस पर्सन पर अटैक करने लगता है, पर वह पर्सन ज़ाओपिंग के सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यह देखते ही ज़ाओपिंग अपने फ्लूट का यूज करते हुए कई सारे स्पिरिचुअल एरो से उस पर्सन पर अटैक करने लगता है, पर वह पर्सन अपनी ईवल ऑरा की मदद से ज़ाओपिंग के सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। तभी वहां पर सुयांग भी पहुंच जाता है, और अब वह उस पर्सन को देखकर सोचने लगता है, इस पर्सन के पास भी ईवल ऑरा है, पर यह पर्सन बहुत ही ज्यादा कमजोर है। मैंने थोड़ी देर पहले जिस ईवल ऑरा को सेंस किया था वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, तो शायद से वह पर्सन इसी का साथी होगा। दूसरी ओर वह पर्सन काफी तेजी से ज़ाओपिंग पर अटैक करके उसे घायल कर देता है, जो देखते ही हैंगटियान उस पर्सन पर अटैक करता है, पर वह पर्सन हैंगटियान के अटैक को डॉज कर लेता है। अब हैंगटियान हंसते हुए बोलता है, तुम युआन सेंग रैलम के अर्ली स्टेज पर हो, तो आखिर तुम मुझसे मर्दों की तरह फाइट क्यों नहीं करते? यह सुनते ही वह पर्सन बोलता है, तो तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, पर मुझे फाइट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और अब वह अपने पास से एक काफी पावरफुल सीक्रेट ट्रेजर डिवाइन डेथ मिरर निकालकर उसका यूज करते हुए हैंगटियान को उसके अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और अब हैंगटियान के साथ साथ ज़ाओपिंग भी उस ट्रेजर के अंदर चला जाता है। वहीं खड़ा सुयांग यह सब कुछ देख रहा होता है, और अब वह बोलता है, यह एक स्पेस ट्रेजर है जिसकी पावर सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो यह ट्रेजर अब मुझे चाहिए। तभी उस पर्सन की नज़र सुयांग पर पड़ती है, जिसे देखते ही वह उसे भी उस ट्रेजर के अंदर खींचने लगता है, जो देखकर सुयांग खुद ब खुद उस ट्रेजर के अंदर चला जाता है। अब दिखाया जाता है कि उस ईवल मिरर के अंदर एक बहुत बड़ी जगह मौजूद होती है, जहां पर हैंगटियान और ज़ाओपिंग एक जगह पर फ्रीज होते हैं। वहीं पर ज़ाओपिंग बोल रहा होता है, इस पर्सन के पास इतना खतरनाक ट्रेजर मौजूद है जिसका यूज करते हुए यह किसी को भी हरा सकता है। तभी हैंगटियान बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ब्रदर सुयांग अभी भी इस जगह पर मौजूद है, तो वह उस पर्सन को काफी आसानी से हरा देंगे। पर तभी सुयांग भी उनके पास पहुंच जाता है, जो देखकर वह दोनों परेशान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, ब्रदर सुयांग आखिर आप इस मिरर के अंदर कैसे आ गए? तभी सुयांग उन दोनों को वहां पर आजाद करते हुए बोलता है, यह ट्रेजर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, क्योंकि यह बिल्कुल एक स्पेस रिंग की तरह है, एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पेस रिंग, और मैं इस ट्रेजर को क्विंसू को गिफ्ट करना चाहता हूँ, जिसका यूज वह अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कर सकती है। तभी ज़ाओपिंग बोलने लगता है, ब्रदर सुयांग हम सभी लोग यहाँ पर फंस चुके हैं, तो आखिर अब हम इस पर्सन को हराएंगे कैसे? यह सुनते ही हैंगटियान बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा परेशान होते हो बेवकूफ, ब्रदर सुयांग यहाँ पर अपनी मर्जी से आए हैं, यह हम दोनों को यहाँ पर बचाने के लिए आए हैं। और उस बेवकूफ को लगा कि उसने ब्रदर सुयांग को भी कैद कर लिया। यह सुनते ही ज़ाओपिंग बोलता है, तो ब्रदर अब हम आगे यहाँ पर क्या करने वाले हैं? सुयांग बोलता है, यह पर्सन बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तो यह पूरे सिटी के लोगों को अकेले गायब नहीं कर सकता है, इससे भी पावरफुल इसके और भी साथी यहाँ पर जरूर होंगे, तो यह हम सभी लोगों को उसके पास लेकर जाएगा, जिसके बाद मैं उन सभी लोगों को मार दूंगा।
और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।